ओम शांति। अठारह जून 1968 की वाणी चल रही थी। 4वें पेज पर बात चल रही थी। इस सहज सहज जो कुछ मिलता है सो ले लेना चाहिए। अगर मांग के लिया तो वो पानी के समान हो जाता है। और खींच लिया सो खून बराबर। जोर जबरदस्ती करके कोई से ले लिया तो जैसे संकल्पों का खून हो जाता है, किसी आदमी की हत्या कर दी जाती है तो जोर जबरदस्ती वाली बात हुई ना। कई तो बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं, तो जो कर्जा उठाना है वो भी रक्त के समान हो जाता है। कोई से भी कर्जा लेने की ऐसी कोई दरकार ही नहीं है। फिर ये भी बताया है कि दान दे करके फिर अगर वापस लिया तो इस पर भी हरिश्चंद्र का मिसाल है। चांडाल बनना पड़ता है। कभी भी दान दे करके वापस नहीं लेना चाहिए। बाप कहते हैं ऐसे काम मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम में भी आवे। बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना है जो अंत समय में बाप की ही याद रहे और अपनी आत्मा के 84 का चक्कर भी याद आ जावे। ऐसी स्टेज में प्राण निकलेंगे तो कल्याण हो जाएगा। बुद्धि से चक्कर लगाते लगाते प्राण भी छूट जाएं तो चक्रवर्ती राजा बन जावेंगे। ऐसे नहीं समझो कि हम पिछाड़ी में याद कर लेंगे। बहुत लंबे समय का पुरुषार्थ ही पिछाड़ी में काम आता है। अंत समय में कुछ भी याद नहीं आवेगा। उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी दुनियावी जो माहौल बिगड़ता जाता है उसका प्रभाव पड़ जाएगा। तो अंत मते सुगति हो जाएगी। अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाए लेना है।
अभी से तीव्र पुरुषार्थ करते रहना है। ऐसा न हो जो पिछाड़ी में वृत्ति कहीं और जगह अटक जावे। अभी से याद की प्रैक्टिस करते रहने से पाप कटते रहेंगे। पवित्रता की स्टेज बनाने में मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है। तो पवित्रता की बात पर बच्चों का ध्यान अच्छा रहना चाहिए, तब ही बाबा कहते हैं रोज अपने से पूछो हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया। कोई को अपने नाम रूप में तो नहीं फंसाया, अथवा कोई के नाम रूप में खुद तो नहीं फंस मरे। कोई को देख करके लड्डू तो नहीं बन जाते हैं। कर्म इंद्रियों से कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। इन बातों में सबसे कम मेहनत है कुमारियों को। अगर कुमारी जीवन चल रहा है तो क्योंकि कुमारियों के जीवन में इतना संबंध नहीं जुटता है। शादी के बाद तो बहुत ही संबंध के बंधन बढ़ जाते हैं। फिर जिन जिन रिश्ते नातों से संबंध जुड़ते हैं उनकी याद बड़ी मुश्किल से टूटती है। विकार में गिरते गए तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है। ये शरीर रूपी बेड़ा है, आत्मा गड्ढे में जाती है तो शरीर भी जैसे गड्ढे में चला जाता है। फिर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। शादी होने के बाद कुमारियों के लिए भी पति ही सब कुछ हो जाता है। अब तो पति के मरने पर या हुसैन करते रहते हैं। तुम लोग कह सकती हो कि हमारी सगाई अथवा शादी तो शिव बाबा के साथ हुई है, परंतु ऐसे भी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि दुनिया जानती है हम शिव बाबा को बाबा कहते हैं, तो उल्टा समझने लग पड़ेंगे। कहेंगे जब तुम्हारा बाबा है तो फिर बाबा से सगाई की जाती है क्या? तुम्हारी बातों को तो कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम बाप के बने हो बेहद का वर्षा लेने के लिए,
तो कहने लग पड़ेंगे कि शिव बाबा फिर उनसे सगाई कहे की। इसलिए हर एक अक्षर बहुत ही ज्ञान युक्त निकालना है। ऐसे वैसे अक्षर मुंह से नहीं निकलने चाहिए। इसलिए हर एक बात बाप अच्छी रीति समझाते हैं। मूल बात है अपना रोज पोता मिल देखो। व्यापारी लोग भी रोज का अपना पोता मेल निकालते हैं ना। ये बाबा भी रोज का पोता मेल निकालते थे। झट मालूम पड़ जाता था आज इतना फायदा हुआ, तो तुम भी रोज अपना पोता मेल निकालो तो फिर तुमको मालूम पड़ता रहेगा कितना नुकसान हुआ। तो जिस काम से तुम्हारा नुकसान होता है वो काम तुम करेंगे ही नहीं, परंतु बच्चे पोता में लिखते लिखते थक जाते हैं, पोता मेल रखते ही नहीं। बाबा कहते हैं पोता मेल न रखने से फिर और ही जास्ती भूले करते रहेंगे, बहुत भूले करते हैं। पोता मेल रखते रहेंगे तो डर रहेगा, मालूम पड़ता रहेगा कि इस हिसाब से हमारा मर्तबा बहुत कम हो जाएगा। ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करते रहे, गलतियां भी करते रहे, मर्तबा नीचा होता रहा तो फायदा ही क्या, और ही नुकसान हो जाता है। और पोता मेल बाबा को तो सुनाई देवे हैं। बाबा आज हमसे ये फायदा हुआ और ये नुकसान हुआ, परंतु बाबा के सामने भी अगर झूठ बोलते रहेंगे तो और ही 100 गुना दंड पड़ जाएगा। न सुनाने से भी भूले हैं, वृद्धि को पाती रहती है। अपने अंदर से भी पूछ सकते हो हमने क्या क्या विकर्म किए। इस बाबा को तो अपनी जीवन कहानी बचपन से याद है। अभी तो बाबा ने हमको कितनी समझ दे दी है। तो कहते हैं कि सुनाने से बाप भी समझावेंगे ऐसे ऐसे होता है। सर्जन इंजेक्शन लगाते हैं, राय देंगे, सुनाने से तुम्हारी बहुत हल्काई हो जाएगी। बाबा तुमको ट्रस्टी बनाए देते हैं। और तुम बच्चे तो जानते हो कि हमारा तो इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है, हमको तो अब देही अभिमानी बनना है। इस दुनिया में तो हमारी अब कोई मिल्कियत नहीं रही, क्योंकि देह के संबंध, देह के पदार्थ सबसे ममत्व तोड़ना है। कोई में अगर प्यार हो जाता है तो वो भी जैसे कि मिल्कियत हो जाती है। वो सब बातें भी छोड़ देनी चाहिए।
जानते हो कि पतित शरीर से लव नहीं रखना है, अभी हमारी आत्मा प्योर बन रही है और पवित्र बनते बनते अगर पतित शरीर से लव हो जावेगा तो और ही नुकसान कर लेते हो। कोई के भी पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए। वो भी देहबान बढ़ जाता है, इसलिए अनासक्त होकर के रहना चाहिए। सच्चा प्यार तो एक से ही करना है, बाकी सब से अनासक्त रहना है। बाल गृहस्थी में रहते हो, बाल बच्चे आदि भी हैं, परंतु कोई में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति की निशानी है कि बुद्धि में बार बार वो ही याद आता रहेगा। तुम जानते हो कि इन आंखों से हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब खत्म हो जाना है। दुनिया ही विनाशी है, सारी दुनिया का विनाश होना है तो इनसे लव क्यों लगावे। बाबा तो बच्चों को रोज समझाते रहते हैं कि ममत्व कुछ भी नहीं रखना चाहिए, एक में ही सारा प्यार गिरता रहे, बाकी नाम मात्र। कार्य व्यवहार निभाना है। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी, बच्चों प्रति रूहानी, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप का, रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज का रात्रि क्लास है 18 जून 1968। बाबा बच्चों को रोज कहते रहते हैं मन मना भव। यहाँ जब बाबा के सामने बैठते हैं तो खास अपन को आत्मा समझ करके बैठना है। बच्चे फिर भी भूल जाते हैं, देहभान बना रहता है। इसलिए आगे भी रोज रोज बाप ने समझाया है अपन को आत्मा समझो। तुम बच्चों के लिए अभी सिर्फ संगम युग में ही इस भविष्य भगवान वाच है, वो शिव परमात्मा ज्ञान का सागर है। मनुष्य सृष्टि का बाप भी कहेंगे, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। परंतु वह भी तब कहते हैं जब आत्माओं का बाप उनमें प्रवेश करता है। कहते हैं हमको इस रचना की आदिमध्य अंत का नॉलेज है, क्योंकि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। और तो कोई मनुष्य तुम्हारी इन बातों को नहीं समझेंगे। तुम्हारा तो साकार में गुरु भी है, शिव बाबा को तो कोई गुरु नहीं है।
की परंपरा से गुरु करने का रिवाज चला आता है, परंतु भक्ति मार्ग में तो देहधारी गुरुओं को गुरु कर लेते हैं। सतयुग त्रेता में तो ये सब रस्म रिवाज चलता ही नहीं है, वहां गुरु होता ही नहीं। अभी तुम भी कहते हो हमने गुरु किया है, भक्ति मार्ग में मनुष्य गुरुओं को गुरु करने का रिवाज चलता है, तो उन्हें कोई मनुष्य को गुरु नहीं बनाया है। क्योंकि अगर मनुष्य को गुरु बनावेंगे तो मनुष्य गुरुओं का तो मन चंचल होता है, तुम्हारे मन में भी चंचलता आती रहेगी। यहाँ तो हमारा गुरु भगवान है, जिसका मन अमन रहता है कभी भी मन चंचल नहीं होता, सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला है। इसलिए कहते हैं अपन को स्वयं स्थिति में स्थित करो, और तुमको तो गुरु नहीं मिला है। तुम कहेंगे हमको सदगुरु मिला है, भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कह देते हैं सदगुरु, परंतु सच्चा गुरु तो एक ही है। कहते भी हैं सच्चा सदगुरु शिव भगवान, सिख लोग खास कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त। तो जब एक ही सदगुरु है तो बाकी गुरु तो स्वतः ही सच्चे झूठे हो जाते हैं, वो अनेक गुरु हैं। और ये एक सदगुरु है, सदगुरु का भी गायन भक्ति मार्ग में चलता है, परंतु सदगुरु की कोई को मिलता नहीं है, तुमको तो मिल जाता है। सिख लोग सदगुरु अकाल मूर्ति ये महिमा कृष्ण की कब नहीं करेंगे। कृष्ण कोई सदगुरु नहीं है, जो सत्य होता है उसका कभी विनाश नहीं होता, असत का विनाश हो जाता है, झूठ का नाश हो जाता है। सच्चा तो सदैव ही स्थायी रहने वाला है। तो उसे एक भगवान की महिमा ही अलग है। उस सच्चे सदगुरु भगवान से ब्राह्मण ही वर्षा लेते हैं, जो सच्चाई से पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करते हैं उनको ही ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसे ब्राह्मण देवता बनने का वर्षा लेते हैं और मनुष्य से देवता तो कोई धर्म पिता बना ही नहीं पाता है।
दैन भी है मानुष से देवता की करतन लागी बार। एक सेकंड में ब्रह्मा मनुष्य को ब्रह्मा सो विष्णु देवता बनाए देते हैं। नहीं तो ये देवता पद कहां से आया? भगवान पढ़ाते हैं बच्चों को, जिससे इतना ऊंच पद मिलता है। ये पढ़ाई आप ही सिद्ध कर देती है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। मनुष्य गुरुओं की तो पढ़ाई लिमिटेड होती है, क्योंकि मनुष्यों की पढ़ाई पुस्तकों में बांधी जाती है। शास्त्रों का ज्ञान भी पुस्तकों में बंधा हुआ है। भगवान आकर के जो ज्ञान देते हैं वो कोई शास्त्रों में नहीं बांधा जा सकता। अनलिमिटेड ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान आप ही सिद्ध कर देता है अनलिमिटेड पढ़ाई को। तुम जानते हो शिव बाबा पतित पावन है, सदगति दाता भी है। मुख से एक्यूरेट अक्षर निकलना चाहिए। सदगति माना ही स्वर्ग और दुर्गति माना ही नरक। तन की भी दुर्गति होती रहती है, तन की इंद्रियों की भी दुर्गति होती रहती है, मन बुद्धि रूपी आत्मा की तो दुर्गति होती ही है। दुर्गति कहा ही जाता है नरक को। नर अर्थात मनुष्य। मनुष्य जो भी रचना रचता है, चाहे वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ही महान मनुष्य क्यों न हो, वो रचना नरक ही बनाती है। सतयुग की बात चाहिए तो बाप ही आकर के देते। परंतु बाप ऐसा गुरु बनता है जिसकी कोई गद्दी नहीं चलती है। उन गुरुओं की तो गद्दी चलती चली आई है। एक गुरु मर जाता है तो उनका फॉलोअर उनकी गद्दी पर बैठ जाता है। अब गुरु की ही दुर्गति हो गई तो चेला कहां से सदगति करेगा? यहां तो ऐसी बात नहीं है। यहां तो गुरु की कोई गद्दी ही नहीं है। बेसिक ज्ञान में भी ऐसे ही चलता है। एक ब्रह्मा गुरु में शरीर छोड़ गया तो दूसरे को गुरु बना करके गद्दी पर बैठा देते हैं, फिर उनकी मत पर चलते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों को गुरु बनाने वाले कोई पद नहीं पावेंगे। वो कोई भी बाप से वर्षा नहीं पावेंगे। इन देवताओं ने तो बाप के द्वारा सिखाए हुए सत्कर्मों से गद्दी पाई है। ऐसी गद्दी तो कोई मनुष्य मात्र दे ही नहीं सकता।
बहुत मुश्किल है। दुनिया में जो राजाएं होते हैं उनकी बुद्धि भी धन दौलत महल माड़ियों में लगी रहती है, कश्मीर का राजा था, मरा तो आज समाजियों को अपना धन दे करके चला गया। अब आर्य समाजी तो उसका रिटर्न नहीं देंगे, भगवान तो भक्ति मार्ग में भी अगले जन्म में रिटर्न देते आए हैं। परंतु वह भक्ति मार्ग का दान है, अल्पकाल का हद का दान है, अभी बेहद का बाप बेहद का रिटर्न देते हैं। उस बेहद के रिटर्न को ही भगवान बाप का वर्षा कहा जाता है। बच्चों की बुद्धि में है, समझते हैं कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अगर ये बात भी याद की कि भगवान हमको पढ़ाते हैं तो भी याद गिनी जाएगी। इसको भी कहेंगे मनमना भव, हम भगवान के स्टूडेंट हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट है, हम नरसे नारायण बनने के लिए आए हैं। परंतु नर से नारायण वो ही बन सकते हैं जिनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा भगवान के दिए हुए ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में लगी रहे, तब ही नाम पड़ता है नारायण। आयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। भगवान ने जो ज्ञान जल दिया उस ज्ञान जल में ही बुद्धि गोते खाती रहती है। तो देखो टीचर को भी याद करेंगे तो भी मनमना भव होता है। बच्चे समझते हैं बाप ने हमको पक्का कराया है कि हम देह नहीं है, हम तो आत्मा हैं और अविनाशी आत्मा हैं। हम आत्मा का बाप परमात्मा है, हम आत्माएं नंबर वार पार्टधारी हैं और हमारा बाप परम पार्टधारी है। परम पार्टधारी माना ही परमात्मा, हीरो पार्टधारी। भक्ति मार्ग में भी भगवान को पुकारते रहते हैं। कितना शिव बाबा करते हैं। कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा, अब काशी में रहने वाला वो शिव बाबा विश्वनाथ कैसे होता है? वो विश्व की बादशाही लेते हैं क्या? वो तो विश्व की बादशाही देने वाला है। तो भक्तों ने गंगा अक्षर पिछाड़ी में लगाए दिए है।
ये बात भी तुम बच्चे जानते हो। किसे हो बाबा? और ये ज्ञान नदियां पारसनाथ बनाती है। और तो सभी भक्ति मार्ग की उल्टी बातें। वो साधु सन्यासी तो गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं, परंतु तुम बच्चे तो अभी शिव बाबा के कंठे पर बैठे हो। तुम ज्ञान गंगाएं भी हो, कहां भी बैठो तो ये बात पक्की कर लो, शिव बाबा की याद हो और षष्ठी चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता हो, तुम ये बात जगह जगह लिख सकते हो। 84 का चक्र याद है, शिव बाबा याद है, जगह जगह लिखा होगा तो याद रहेगा। दिन प्रतिदिन नई नई बातों की एडिशन होती जाती है, जबकि हम बाप के बच्चे हैं और हमारा बाप है हेवनली गॉड फादर है, जो स्वर्ग का रचयिता है, तो हमको भी स्वर्ग का मालिक होना चाहिए। परंतु अभी हम नरक में क्यों बैठे हैं? अरबपति का बच्चा हो और पैसे पैसे के लिए गलियों में मोहताज होता फिरता रहे तो कोई मानेगा ये साहूकार का बच्चा है? अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, हो तो सभी एक बाप के बच्चे, परंतु बच्चे नंबरवार हैं, नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं और पढ़ाई भी नंबरवार पढ़ते हैं, पढ़ाई से ही ऊंच पद पाएंगे। जानते हो कि बाप आते हैं तो भारतवासियों को ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, कहां के वासी? भारतवासी। बुद्धि कहां रत रहती है? भा भा माने रोशनी, जिनकी बुद्धि ज्ञान की बातों में ही रमण करती रहती है वो सच्चे भारतवासी हैं। भारत की जीवन कहानी का उनको पता रहता है, भारत में गाते भी हैं सत्यनारायण की कथा। जरूर इनको बाप ने कोई समय बरसा दिया है, इसलिए हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। ये हर वर्ष शिव जयंती क्यों मनाते हैं? इस बात को कोई समझते नहीं है। जरूर इनका पुरुषार्थ वर्ष वर्ष ऊंचा चढ़ता रहता है, इनको आकर के शिव बाबा ने स्वर्ग का मालिक बनाया। तुम यह बात जानते हो कि शिव बाबा आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं? और तुम बच्चे पढ़ते हो,
बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं और ये लक्ष्मी नारायण ऊंचे ऊंचे पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उनसे पहले पहले वर्षा मिलता है श्री कृष्ण को। जो प्रिंस प्रिंसेस राजा रानी बनते हैं जरूर पहले जन्म में ऊंच पद पाते हैं, बाद में सतयुग के और जन्मों में नीचे गिरते जाते हैं। तो राजा भी बनते हैं और प्रजा भी बनती है। हम राजा बनते हैं तो प्रजा साहूकार गरीब आदि भी बनेंगे। ये बातें बाप बच्चों को समझाते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति की, हर आत्मा की, हर चीज की चार अवस्थाएं होती हैं। तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी चार अवस्थाओं से पसार होता है। इसलिए इन बातों को याद करके फिर औरों को रास्ता बताओ। यह आबू में प्रदर्शनी पहले भी बच्चों ने रची थी, जो अभी फिर रच रहे हैं औरों को रास्ता बताने के लिए। पवित्र भी बनना है। जब तुम पवित्र सतो प्रधान बन जावेंगे तो फिर 21 जन्म के लिए तुमको राजा ही मिल जावेगी। बाप कितना टेम्पटेशन देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे तो झट प्रतिज्ञा कर लेंगे, फिर माया भी गुटका खिलाती रहती है। ये माया बड़ी जबरदस्त है। बच्चे बाप को भी पहचान जाते हैं तो फिर माया के रूप को भी पहचान जाते हैं। बाप ऐसे बच्चों को मीठे मीठे बच्चे कहते हैं। क्यों नहीं मीठे मीठे कहेंगे? इसलिए मीठे मीठे कहते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम में ऊपर तुम मनुष्य से देवता बनते हो। सतयुग को कोई पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, क्योंकि पुरुष आत्मा को कहा जाता है। वहां सतयुग में कोई उत्तम उत्तम आत्माएं नंबर वार प्रत्यक्ष नहीं होंगी। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग तो अभी है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।